कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए जहां एक और समूचा देश अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, वहीं जींद के डीएवी स्कूल प्रबंधन की अनोखी पहल की थल सेना अध्यक्ष ने भी प्रशंसा की है। दरअसल स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने गत वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान मास्क और राखियां खुद बनाकर भारत चीन सीमा पर तैनात सेना के जवानों को भेजे थे और इस वर्ष दोबारा से यही काम फिर किया जाएगा। अब सेना द्वारा भी स्कूल प्रबंधन की इस पहल का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने स्कूल को प्रशंसा पत्र भेजे हैं। हमारे अध्यापकों ने, जिनमें ज़्यादातर लेडीज टीचर हैं, दोनों गर्मियां अपनी पहली लहर में भी और इस लहर में भी मास्क बनाने में लगा दी हैं। 3 लाख से ज़्यादा मास्क तैयार किए गए हैं, जिसमें से 50,000 के करीब मास्क हमने भारतीय सेनाओं को, विभिन्न यूनिटों को भेजे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सभी तीनों सेना अध्यक्ष से ये पत्र भी प्राप्त हुए हैं, प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं। बसों और गाड़ियों में तय संख्या से अधिक सवारियां बैठाने पर आरटीए और हरियाणा रोडवेज विभाग सख्त हो गया है। इसी पर एक्शन लेते हुए यमुनानगर में एक इनोवा गाड़ी इम्पाउंड, 2 बसों के भी चालान किए गए। आरटीए और हरियाणा रोडवेज द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान बसें चलाने वाले चालकों और परिचालकों की वर्दी न पहनने, नेम प्लेट न लगाने, तय संख्या से अधिक सवारियां ले जाने पर चालान किए जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान सवारी वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिसमें जो गाड़ी दस्तावेज साथ लेके नहीं चलती, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर बिठाते हैं, उनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, कंडक्टर लाइसेंस नहीं है, दस्तावेज पूरे नहीं है, उन लोगों का मौके पर ही चालान किया जाता है, गाड़ी को, वाहन को इम्पाउंड किया जाता है और जुर्माना अदा करने के बाद इसको रिलीज किया जाता है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में स्थित कुछ कंपनियां सरकार द्वारा पेड़ लगाने की मुहिम को पलीता लगाने के साथ साथ करोड़ों रुपए की जमीन को हथियाने का काम करती दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने पार्क से हरे भरे पेड़ों को काटकर अपने निजी स्वार्थ के लिए उस जमीन के ऊपर लैंटर डाल दिया। करीब 20 से 25 फुट तक पूरी ग्रीन बेल्ट और पार्क पर कब्जा कर अपने निजी वाहनों की पार्किंग बना डाली। हैरानी की बात तो ये है कि तमाम आला अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बजाय आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। अंबाला में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां महेश नगर थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक पर रेप करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये हमारे थाना महेश नगर के अंतर्गत एक एरिया है, जो जहाँ पर ये परिवार के सदस्यों ने बताया था, भी हमारी 6-7 साल की बच्ची है, उसके साथ अटैम्प्ट टू रेप का जो संज्ञान में आया था, तो उनकी तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया और आरोपी का ओम प्रकाश, उसको अरेस्ट कर लिया। आगामी कार्रवाई महिला पुलिस थाना द्वारा की जा रही है। उकलाना के गाँव लितानी में एक विवाहिता फंदे पर लटकी मिली। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मृतका को पिछले काफी दिन से परेशान करने के आरोप लगाए। 3 खटेम है जी, मैं जी एडलिटरी थी जी, भीतर मन रोला सुनिया जी, बाहर मेरी बेबे ने मार पीटन लग रही थी जी, और फिर फांस लत्ता गला जोड़ कर ना फांसी कटाएंगे जी, जी मैं छुटान लगे जी, मेरा भी थप्पड़ मारे जी बड़ा बटे उन्हें जी। तो पहले भी काफी कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा? हाँ जी, वो या करते जी, देश देश में क्या करते जी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार।